राजस्थान के सीकर जिले में बसा रामगढ़ एक जमाने में समृद्ध शहर था। शेखावती सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और इसी कारण यहाँ बहुत से प्रगतिशील शहर होते थे। इसी शेखावती इलाके से बहुत सी प्रसिद्ध बिजनेस फैमिलीज भी आईं, जैसे बिरला, पोड्डार, डालमिया, खेतान, पीरामल और झुंझुनवाला। हिंदुस्तान के 25% सबसे ज्यादा अमीर लोग शेखावती से ही हैं। इनफैक्ट एक जमाने में तो रामगढ़ यहाँ का सबसे संपन्न शहर हुआ करता था, पर आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि शेखावती आज एक अबैंडन क्षेत्र बन चुका है? क्यों यहाँ आज करोड़पति नहीं रहते? आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ और साथ साथ हम लोग रामगढ़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। करोड़पति भले ही यहाँ ना रहते हो, पर अभी भी रामगढ़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है घूमने के लिए। शुरुआत करते हैं मेरी रामगढ़ की जर्नी के साथ। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ सुबह सुबह चुरू, विच इज काइंड ऑफ अ मेजर जंक्शन हियर इन द शेखावटी रीजन ऑफ राजस्थान। दिस इज नॉट माय डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन है एक जगह कॉल्ड रामगढ़ एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू गो देयर। क्योंकि मैं केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहता था, मैंने चुरू से रामगढ़ के लिए एक बस ली और उसके बाद एक छकड़े पे बैठ के अपने एयरबिन भी पहुंच गया। So, मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ इन द शेखावती रीजन टू एक्सप्लोर अ नंबर ऑफ स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, सी सम ब्यूटीफुल हवेलीज, होम्स, ईट सम लोकल फूड, मीट विद लोकल्स एंड गेट सम रियली नाइस राजस्थानी एक्सपीरियंसेस जो मैंने शायद पहले किए नहीं है। अभी करीब 1:30 बजे तो लंच टाइम है और उसके बाद मैं प्रे करूँगा कि भाई ये बारिश वारिश बंद हो जाए और हम थोड़ा राजस्थान घूम सकें। इसके पहले मैं आपको रामगढ़ में जो इंटरेस्टिंग जगह है वो दिखाऊं। आई विल शो यू द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग बिकॉज दैट इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत पुरानी हवेली है, करीब 150 साल पुरानी हवेली है। इसका नाम वेदारण्य है और दिस इज़ अ होम स्टे। दिस इज़ ऑल्सो एन एयरबीएनबी, सो यू कैन बुक इट फ्रॉम आइदर ऑफ दीज टू प्लेसेज। आई लिंक द लोकेशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक वॉक अराउंड देता हूँ। आई विल शो यू व्हाट दिस प्लेस लुक्स लाइक और उसके बाद हम निकलेंगे रामगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज शनिवार है, विच बेसिकली मीन्स आज शनि देव का दिन है। और इस गांव में जहां मैं रुका हूँ रामगढ़ में, देयर इज अ वेरी फेमस शनि टेम्पल जो काफी अपने मिरर वर्क के लिए काफी फेमस है। So I am at the Shani Temple here and very beautiful space. Today is Saturday as I said, तो आज काफी special दिन है। तो आज शाम को 7:30 बजे यहाँ पे पूजा होगी। Now the thing that's really special about this temple is the mirror work here. So सारे walls यहाँ पे mirrors से covered हैं। It reflects the entire building in each mirror. Looks quite beautiful. सो शेखावत के एक्सप्लोरेशंस में मेरे साथ दो और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं। ये भी ब्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं और बहुत सारा सुंदर कंटेंट क्रिएशन करते हैं। माय नेम इज शुभ्रा। शुभ्रा मींस प्योर, इट्स अ बंगाली नेम, इट केम फ्रॉम माय नानी एंड आई एम अ फूड एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम। इट्स माय हस्बैंड। हाय, नाइस टू मीट यू गाइस। And he's the man behind all the content. My pictures, I'm Shubhra Sweet. My pictures and videos are all him. तो शुभ्रा, प्रणव एंड आई आर एक्चुअली आउट एक्सप्लोरिंग द सिटी एट नाइट। तो अभी हम लोग यहाँ के एक लैंडमार्क हिस्टोरिकल जगह पे आए। इट्स कॉल्ड भैरव मल का कुआं। वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बिहाइंड, पर अंधेरा है तो ज़्यादा देख नहीं सकते हैं। Recommended by the locals in the city कि यहाँ की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान is मोती जी हलवाई की दुकान। वहाँ लड्डू अच्छे होते हैं। तो हम अभी आ गए हैं मिठाई की दुकान में। Let's see अभी क्या खा सकते हैं। नमस्कार। दुकान हमारी बहुत पुरानी है। हाँ जी। और यहाँ के लड्डू विश्व विख्यात हैं। So we have the laddu here and the food blogger is gonna sample it. Please try कीजिए। बूंदी का लड्डू। गजब। This is good. Delicious laddu. Try it. I'll try. What do you think? It's nice. Very nice. Not very sweet. Also. Not very sweet and it's very fresh also. मजा आ गया।
तो मोटी मिठाई वाले जो है जनरेशनल शॉप है, तो ये जो अभी करंट जनरेशन है उनके दादाजी ने शुरू की थी, करीब 100 साल पुरानी दुकान है, तो काफ़ी हिस्टोरिकली इंटरेस्टिंग जगह है। अभी हम जा रहे हैं लड्डू बनते हुए देखने के लिए, जो हमने अभी स्वादिष्ट लड्डू खाए हैं वो देखते भी कैसे बनेगा। पर एक लड्डू 100 ग्राम का है तो बहुत बहुत बड़ा लड्डू है, सोच समझ के लीजिएगा आप, एक बार में एक ही खा सकते हैं। सो डे टू इन रामगढ़, और आज का दिन भी काफ़ी ग्लूमी ग्लूमी सा लग रहा है। बेसिकली हर तरफ बादल है और द सनलाइट दैट आई रियली वांट इज़ नॉट हियर। बट द गुड थिंग इज़ कि बिकॉज ऑफ द नाइस वेदर हम आराम से बाहर घूम सकते हैं, काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम है, सो इट्स ऑल गुड। सो शुभ्रा जी जा रहे हैं अपने वापस जयपुर की तरफ। यस, टाइम टू गो, बाय अभिषेक। जस्ट वॉकिंग द स्ट्रीट्स हियर आई फाउंड दिस ब्यूटिफुल हनुमान मंदिर जो मेरे पीछे ही है। इस मंदिर को कुआं मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कुआं है, उसकी जस्ट नेक्स्ट है। ये 1885 में बनाया गया था तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो अभी अंदर जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो आपका आगमन हुआ, आपके चरण पकड़े, शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन आज तो बालाजी का है। पंडित जी ने मंदिर में मुझे अपना रहने वाला हिस्सा भी दिखाया जो मेरे लिए एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा मैया के मंदिर में जो थोड़ा पास में ही है। हर्ष अपनी बाइक में लेके जा रहे हैं तो इट विल बी अ फास्टर जर्नी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग हाउ आई एम एक्सप्लोरिंग द सिटी, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, लविंग इट, रियली 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 लविंग इट। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं गंगा माई के मंदिर में जो मेरे पीछे ही है, और बहुत सुंदर मंदिर है। इट्स ऑल्सो अ वेरी ओल्ड टेम्पल, हमें पंडित जी ने रिकमेंड किया था तो हम यहाँ पर आ गए, एंड या आई थिंक इट्स अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। अभी अंदर जाते हैं और मिलते हैं अंदर भी पंडित जी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्शन है। सुदर्शन, सुदर्शन जी आप क्या करते हैं? मैं पूजा पाठ करता हूं। पूजा पाठ करते हैं मंदिर में। तो गंगा माई के मंदिर के बगल में ये एक शिवालय भी है, और ये काफ़ी यूनिक सा मंदिर है। यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे शिव जी का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अलग है। ही इज़ शोन लाइक अ राजस्थानी मैन एक्चुअली, उनकी मूछ भी है, उनके साथ पार्वती जी हैं और उनके दोनों बेटे भी हैं, कार्तिक और गणेश। बेसिकली हवेलियों में आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते क्योंकि या तो वो लॉक्ड होती हैं या आपको परमिशन चाहिए ऑब्वियसली। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कोई मुझे स्ट्रेंजर को अंदर अलाउ करेगा। तो अभी हमारे साथ नवरतन जी हैं जो 10th क्लास में है, एंड ही शोइंग मी अराउंड यहाँ पे कुछ हवेलियाँ। तो हमारे आसपास कौन सी हवेली है अभी जो दो आप दिखा रहे हैं? नेहरा हवेली। आशीष नेहरा यहीं से आए थे क्या? कौन? क्रिकेटर। तो हम लोग रिचपाल जी की हवेली में जा रहे हैं, उन्होंने हमें अनुमति दे दी है। विल जस्ट वॉक इनसाइड अ लिटिल बिट और फिर छत पे होके आएंगे, एंड आई विल शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक अराउंड फ्रॉम टॉप। थैंक यू सो मच। Another iconic place here in Ramgarh. This is Poddar Chhatris. So, इसका इतिहास ऐसा है कि Poddars were a community of zamindars, काफ़ी rich merchants थे यहाँ के, उन्हीं ने इस शहर इस town Ramgarh को बसाया था।
इससे पहले कि ये वीडियो खत्म हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रामगढ़ और शेखावती रीजन अबैंडन्ड क्यों हो गए हैं। देखिए, 17 से 19वीं शताब्दी में जब व्यापार यहाँ अपने चरम पे था, व्यापारियों ने बहुत सी शानदार हवेलियां, मंदिर और कुएं बनवाए। आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों ही काफी डेवलप हुए, पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार ने एक नया रुख लिया। अब दिल्ली और सिंध के बीच में इतना ट्रेड नहीं होता था और ब्रिटिश इंडिया में बॉम्बे और कलकत्ता से ज्यादा ट्रेड होने लगा, और उसी के साथ यहाँ के व्यापारियों का पलायन हो गया बम्बई, कोलकाता और चेन्नई की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको राजस्थान का ये हिडन जेम पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें YouTube पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।